स्कूल का ताला कौन खोलता है? हम खोलता है। अच्छा तुम ही लोग खोलते हो और झाड़ू भी तुम ही लोग लगाते हो। स्कूल का ताला कौन कौन खोलता है? तुम लोग खोलते हो और झाड़ू भी रोज लगाते हो तुम ही लोग। अच्छा टीचर लोग कब आते हैं? टीचर लोग फिर तो टॉर्च मोबाइल सब जलाते हैं। मोबाइल सब टॉर्च सब बिजली है ही नहीं, पंखा और टीवी लगा दिया। जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं द जोहार न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। मैं अभी कुदा पंचायत के बारेडी गांव पहुंचा हूं। हालांकि ये जो है बारेडी लिखा हुआ है और इस गांव का विद्यालय देख लीजिए। पहले सबसे पहले यहां का विद्यालय दिखाते हैं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय बारेडी, ये मुरू प्रखंड में आता है और इस गाँव में जो है बिजली नहीं पहुंची है। उस पर हम चर्चा करेंगे, ग्राम प्रधान से बातचीत करेंगे कि क्या समस्या है गाँव का। लेकिन हम पहले विद्यालय के बारे में बता देते हैं। जैसे गांव वाले बताते हैं कि शिक्षक कोई रांची से आते हैं तो कोई खूंटी से आते हैं और यहाँ जो है बच्चे खुद से विद्यालय का ताला खोलते हैं और बच्चे खुद से साफ सफाई करते हैं। मतलब विद्यालय में जो है जो काम होना चाहिए सुबह का, वो काम जब पूरा हो जाता है उसके बाद शिक्षक एंट्री मारते हैं। तब जो है आप सोच सकते हैं कि इस विद्यालय में क्या क्वालिटी होगा शिक्षा का और किस तरह से जो है शिक्षक अपना ड्यूटी निभाते होंगे। हम एक बार अंदर चल के दिखा देते हैं यहाँ का बिजली व्यवस्था और स्कूल में जो है क्या है व्यवस्था। चलिए इधर आ जाइए, अंदर अंदर हम थोड़े विद्यालय के अंदर में घुस रहे हैं क्योंकि अभी विद्यालय शुरू नहीं हुई है। और इस तरफ दिखा दीजिए विद्यालय में, देखिए यहाँ टीवी लगा दी गई है, देख रहे हैं टीवी। इसके बाद इधर देख लीजिए आप, यहाँ पंखा भी लगा दिया गया है और लेकिन जो है यहाँ बिजली है ही नहीं, पंखा और टीवी लगा दिया गया है। हालांकि एक सोलर का जो है प्लेट है वो छत पर इस तरफ लगाया हुआ है जहां से शायद इसका कनेक्शन होगा, लेकिन पंखा उस सोलर से जो है चलना हमें नहीं लगता कि संभव है। और पंखा यहां लगा दी गई है, टीवी लगा दिया गया है, लेकिन इस गांव में बिजली नहीं पहुंचा है। स्कूल का ताला कौन खोलता है? हम खोलता है। अच्छा तुम ही लोग खोलते हो और झाड़ू भी तुम ही लोग लगाते हो? अच्छा रोज रोज झाड़ू लगाते हो और रोज ताला लगा खोलते हो? कौन क्लास में पढ़ते हो? इधर देखो इधर देखो इधर देखो, क्या नाम है तुम्हारा? खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। तो स्कूल का ताला कौन कौन खोलता है? तुम लोग खोलते हो और झाड़ू भी रोज लगाते हो तुम ही लोग? अच्छा टीचर लोग कब आते हैं? टीचर लोग 9 बजे। तब तक तुम लोग झाड़ू वाड़ू लगा लेते हो? चाबी कहाँ रखते हो? चाबी टेबल में। कहाँ? टेबल। टेबल में रखा रहता है, ठीक। तो बल्ब लगा हुआ है आपके देख रहे हैं घर में? हाँ सोलर से। सोलर लगाए जी, तो इससे क्या लाइट हो जाता है? हो जाता है थोड़ा देर तक। थोड़ा देर तक हो जाता है, मिलने चाहिए। तो अगर सोलर का पावर ख़त्म हो जाता तो फिर क्या करते हैं? फिर तो टॉर्च मोबाइल सब जलाते हैं। मोबाइल सब टॉर्च सब। क्या नाम है आपका? मरियम मुंडू। गाँव बड़ेटी। तो फिलहाल जो है हम कुदा पंचायत के बारेडी गांव में आए हैं। यहाँ के विद्यालय के बारे में अभी हम आपको बता रहे थे। अभी हम विद्यालय के ही भवन, विद्यालय भवन के ठीक बाहर में खड़े हैं, बरामदे में हैं। और यहाँ जो है ग्राम प्रधान और उनके साथ अन्य ग्रामीण भी पहुंचे हैं। हम यहाँ इस गांव में जैसे ही पहुंचे तो इन लोगों से बातचीत की, इन लोगों ने अपनी समस्या को रखने के लिए तुरंत जो है हमें बोला कि हमें अपना समस्या रखना है और हम इनसे बातचीत करके अभी जानकारी उपलब्ध करवाते हैं कि आखिर इस गाँव में क्या खास समस्या है। बताइए सबसे पहले नाम क्या है आपका? बड़ेली गांव में बिजली। अपना नाम बताइए पहले। हमारा नाम तो लोदरो मुंडा, ग्राम प्रधान है। ग्राम प्रधान है। समस्या है बिजली का भी है और सब कुछ ऐसे ही, मैदान का भी है। अच्छा खेल मैदान। खेल मैदान का और पीने होने का तो हम लोग का मतलब पैसा उसे खर्चा करके मतलब थोड़ा मोड़ा मतलब गड्ढा करके उसी को हम लोग को गड्ढा करके हाँ चूहा टाइप का। हाँ चूहा टाइप का।
तो आपके गांव में बिजली नहीं है, पानी भी नहीं है, सबको समस्या को कभी सब विभाग को या नेता मंत्री किसी को बताएं? हाँ बताया था, ये अपना गांव में आ करके मतलब उन लोग को बताया था हम लोग। अच्छा किसको बताया थे? नीलकंठ टीवी एक बार बताया था, और क्या नाम है उसका तो हम उतना तो नाम नहीं जानते हैं। कौन? केंद्रीय मंत्री? हाँ क्या अर्जुन मुंडा को भी बताया था? अर्जुन मुंडा को भी ये लोग बताए हुए हैं। तो फिर क्या हुआ इसके बाद? कुछ नहीं दिए फिर भी, अभी तो वोट अभी का समय आ गया, फिर भी अभी तक ये बड़ेडी गांव में कुछ नहीं है। अभी तो वोट देने का समय आ गया, क्या लग रहा है मिलेगा? हो सकता है देगा तो मिलेगा। ये ग्राम प्रधान है, गांव के लोग वैसे भी जो है ऐसे मामलों को लेकर जाते हैं नेता मंत्री और विभाग के पास, जब नहीं होता है तब ये लोग शांत हो जाते हैं, क्या करें कुछ समझ में नहीं आता है। अब इन लोगों का कहना है, जैसे ये पीछे भी एक व्यक्ति बैठे हैं यहाँ, इनका कहना है कि अर्जुन मुंडा तक को भी इन लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, लेकिन इनके गाँव की समस्या पर किसी प्रकार का कोई ध्यान मंत्री या नेता का नहीं है। फिलहाल अब जो है चुनाव का समय आ गया है, इधर आइए आइए, चुनाव आ गया नजदीक, तो क्या लग रहा है अभी नेता लोग आएगा वोट मांगने तो क्या कहिएगा? नेता लोग आएगा, चुनाव पहुंच चुका है तो नेता लोग आएगा तो बोलेंगे, नेता लोग के सामने बोलेंगे, ग्राम बैठक में बोलेंगे डायरेक्ट नेता लोग से। कितना दिन से हम लोग को बिजली का हल्ला कर रहे हैं, दरखास्त भी दिए हैं, अभी तक कुछ भी विकास नहीं हुआ है, आता भी नहीं है बिजली। किसको दिए थे? अर्जुन मुंडा को भी दिए हैं, नीलकंठ मुंडा को भी दिए हैं एप्लीकेशन, बिजली विभाग को बिजली विभाग में दिए? हाँ बिजली विभाग में दिए हैं, अभी भी फिर भी कुछ नहीं हो रहा है अभी तक। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, आएगा आएगा बोल के। क्या नाम है? मंगरू मुंडा। गांव बाड़ेडी। बिल्कुल इस गांव की जो समस्या है, आइए इधर, इस गांव की जो समस्या है उस पर जो है अगर चर्चा करें तो आपको काफी समय लगेगा, क्योंकि इस गांव में सभी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। हालांकि जो है सड़क मार्ग, अभी हम जब यहां पहुंचे तो सड़क मार्ग कुछ हद तक सही है, लेकिन उसके अलावा बात करें तो ना पेयजल की सुविधा है, ना बिजली की सुविधा है, ना ही यहाँ आवास अधिकतर लोगों को नहीं मिल पाया है। तो लोग काफी मजबूर हैं, अपने उसी पुराने जिंदगी में, उसी पुराने दिनों में जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय मुंडा हुआ, ग्राम बलंगा बरेडी, बलंगा हम लोग का मौजा हो गया और बरेडी टोला हो गया। कितना? अच्छा ये बताइए कि और हमारे गांव में मौजा जो बलंगा करके है, खास बलंगा है, उसमें 65 परिवार है और टोला बरेडी में 120 परिवार है। 120 परिवार है, इसलिए हम लोग बराबर इस गांव की समस्याओं को ग्राम सभा में उठाते हैं और लिखित भी देते हैं। ऐसे तो अभी हमारे दादा लोग बोले हैं कि नीलकंठ सिंह मुंडा को भी दिए हैं और माननीय केंद्रीय मंत्री को भी दिए थे, अर्जुन मुंडा जी सांसद को भी दिए थे लिख के, लेकिन उसका नतीजा चाहे परिणाम बोले तो कुछ नहीं हुआ है। और विधायक जी को तो एक बार नहीं कई बार दिए हैं और औपचारिक रूप से बैठक कर भी, बैठकी करके भी बात किए हैं इस विषय पर, एक घंटा से ज़्यादा हम खुद गए हैं, उससे नहीं हुआ। बाद में कुछ मार्गदर्शक लोग, दादा लोग आए तो विभाग पर दीजिए मंत्री लोग से, बिजली का वाला काम कोई भी काम ढंग से नहीं होगा, समय पर नहीं होगा, वो लोग कल ही आदेश देते हैं फिर काम तो विभाग करेगा, इसीलिए हम लोग विभाग गए। हम भी गए थे खुद और गांव के कुछ वही 8-10 लोग गए थे, हमारे मुखिया जी वर्तमान मुखिया अमर मुंडू वो भी गए थे, और हम लोग का पंचायत समिति सदस्य तुरलेन धान नाम है वो भी गई थी, तो वो दोनों भी हम लोग को सपोर्ट किया और विभाग में बात किए तो आवेदन भी दिए। वो बोले हैं कि आप लोग का लिस्ट है गांव का, आप लोग का कराने का है, लेकिन अभी टेंडर आएगा तभी करेंगे, वैसा बोले हैं विभाग। तो इतना दिन हो गया लेकिन आप लोगों के यहाँ बिजली नहीं मिला, क्या बोल रहे हैं? अब तक कई बार इसे आवेदन दे चुके हैं अलग अलग विभाग में। विभाग में तो एक बार दिए हैं, मंत्री लोगों को, नेता लोगों को, नीलकंठ को 2 बार जैसे दिए हैं, 2-3 बार, और बाद में तो बोलता है कि मत दीजिए, बात करेंगे हम करा देंगे, वैसा बोलता है। और अर्जुन मुंडा जी को 1 बार दिए थे। इस गांव में बिजली का सामान सब सुनते हैं कि कभी लाया था और फिर उठा के ले गया, क्या है ये?
इस विषय में तो ऐसे हुए कि पोल जो वगैरह बड़ा गाड़ी में आया था, 12 चक्का की कौन 24 चक्का था, 12 चक्का था, वो मैंने दूसरे गांव में उधर साइड में क्या बोलेंगे सिरका गांव से आगे खटंगा करके वहां के लिए उसको मैंने विभाग से रवाना किया गया था। शायद वो गलती से इस गांव में घुस गया गाड़ी, तो वो मैंने निकालने का क्रम में वो थोड़ा सा वो फंस गया तो निकल नहीं रहा था, तो उसमें कुछ हाँ तो कुछ पोल को मैंने यहाँ पर रख दिया है। और बाद में तो विभाग वाला आया, ठीक है यहाँ आप लोग का नहीं लगा है, लग जाएगा बोल के कुछ सामान सब आया हुआ था भोरा सब में, क्या बोलेंगे कचकड़ा का सामान जो बिजली का सामान, हाँ हाँ वो आया हुआ था, लेकिन बाद में तो कुछ काम नहीं हुआ, सर्वे भी हुआ था। और तो फिर वो सब उठा के ले गया सामान की नहीं कुछ तो उठा के ले गया कि ऐसे ही बर्बाद हो गया, उतना हमको जानकारी नहीं था, लेकिन पोल सब तो अभी भी है। तो यहाँ गांव के लोग भी इस विषय में बहुत कोशिश किया था, श्रमदान से गाढ़ा खोडो बोल रहा है, तो लड़का लोग बहुत मेहनत किया, इधर खेत दिख रहा है ना सर, इधर ही कोड़ा था और वहाँ बुड़जू गांव जहाँ चर्च है, चर्च जगह से इधर मेन रोड है वहाँ तक, हाँ जितना भी खेत है वो सब, हाँ सब वहाँ कोड़ा हुआ था, कोड़ दिए थे, लेकिन बाद में कोड़ दिए हैं सर तो लगवा दीजिए बोले, तो ट्रैक्टर खोजिए बोल रहा है। उस समय का बात हमको साल याद नहीं है, तो ट्रैक्टर खोजे अगल बगल में मुश्किल से 2-3 गो था, लेकिन इस गांव में नहीं था, तो घींचने के लिए उसको बोले तो ट्रैक्टर मालिक बोलता है कि वो लोग पैसा नहीं देगा, कम देगा बोल रहा है। अब हम लोग बोले कि जितना काम हो रहा है हम लोग ग्रामीण मैंने जमा करके आपको दे देंगे, लेकिन हम लोग का काम करा दीजिए, लेकिन वो नहीं किए, तो बाद में ऐसे ही हो गया, हाँ ऐसे ही टाल गया हम लोग का। क्या नाम आपका? संजय मुंडू, गांव बलंगा बारेडी, मैं ग्राम सभा में सचिव का काम करता हूँ, साथ में थोड़ा मोड़ा समाज सेवा का भी करते आ रहा हूँ। बढ़िया, तो ये देखिए ग्रामीण जो है काफी जागरूक है, जागरूकता का जो होना चाहिए एक काम, एक कदम, एक पहल, वो इन लोगों द्वारा किया जाता है, और पहल होने के बाद भी विभाग का पहल नहीं हुआ। हालांकि ये जो बता रहे हैं यहाँ तक बिजली का खंभा किसी कारण गलती से जो है यहाँ गांव में पहुंचा था, लेकिन वो वहाँ का वहीं रह गया रखा हुआ, कोई काम उस पर नहीं हुआ। ग्रामीण आज भी उसी अंधेरे में जो पहले सदियों पहले रहा करते थे उसी अंधेरे में जिंदगी गुजार रहे हैं, आज भी यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधा नहीं मिल पाई है।